देखा आज मैं बनाने लगी हूँ यूं पत्ते उड़ते चूल्हा पर। और मैं बता दूं आपते आज चूल्हा पर कनकन बनाना पत्ते उठ। और ये है मेरा भैजी का लड़का, भैजी को न्याय हेलो जो मेरे कैमरामैन बनी हूँ आज। आज क्या यू हमेशा ही बनो रहूं कैमरामैन, फोटो काफी अच्छे खींच रही हूँ। आज मैं दिखा दू आपते देख रही हूँ की कनकन बनाना चूल्हा पर पत्ते उठ। आप भी बताया जरूर क्या आप कनकन बनाऊंगा, मैं दिखाऊं दूं आपसे चूल्हा पर कनकन बनाऊंगा पति। इसमें देखो हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा चरचरा बड़बड़ा ही अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा मैंने तेज़ डाला है मिर्ची, क्योंकि हमारी घर की मिर्ची है तो बहुत तेज होती है। और अच्छे से लहसुन भी घर का ही था तो अच्छे से पीस के वैसे, और अच्छे से उसका पेस्ट बना के थोड़ा दरदरा ही ठीक लगता है कि स्वाद आता है उसके मुँह पे जब हम खाते हैं पतीलू तो अच्छा लगता है। तो देखिए इसका मैं अच्छे से घोल बनाऊंगी, तो आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, देखते रहिए मेरे वीडियो में। एनु है चैनल दगड़िया, खूब बढ़िया बढ़िया करी घोले मैन, अगर आप पहाड़ी होंगे तो समझ जाएंगे भाई, और नहीं होंगे तो भाई हिंदी में बता देती हूँ। अच्छा ऐसे घोला है मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ना ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ज्यादा ठीक होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, ज्यादा वैसा भी ना हो गाढ़ा सा और ज्यादा वैसा भी नहीं। अच्छे से मैंने थोड़ा दरदरा दिख रहा है ये मेरा लहसुन, और वो है प्याज जो मैंने बनाया, थोड़ा दरदरा ही पीसा था मैंने, जो कि आज मैंने मिक्सी में ही पीसा है, सिलबट्टे में नहीं पीसा है। वैसे मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ और मिक्सी में पीसती हूँ, दोनों में पीसती हूँ। एन बनाया बने और बताया जरूर कि कन बनी और कन लगे आपने। अब देखिए इसको ऐसे काट के ये वाला इसको थोड़ा हटा देना, क्योंकि ये होता है इसकी लगती है किंगकवाली, पहाड़ी तो जरूर समझ गए होंगे, थोड़ा अजीब सा लगता है खाने में, जो पहाड़ी नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा किंगकवाली किसे बोलते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है खाते हुए। इसको थोड़ा हटा के ना इसका तब थोड़ी लग भी नहीं जरा किंगकवाली, बढ़िया करी खटे है ना, एंड करी बढ़िया तरीके से मिसो मैन हटेगी। जो मैंने पात बिछाई ये पर लगाया नहीं, जो मैं बेसन को बनाई घोल, मैन करी बराबर से चारों तरफ खूब करी ना, जो समर लग जाओ चौबीस बोर्ड होगी छोटू बात हुई बड़ू अट्टी एंड करी अच्छा करी मिलाया खूब करी जो सौ में मिल जाओ और स्वाद खूब आओ। फिर दो तीन पात रखे ज्यादा नहीं, दो तीन यू रखी, फिर ये पर भी इतना नहीं लगाया जन पहली बार पर, खूब कर अच्छा करी चारों तरफ मिलाया। बताया जरूर तगड़ियों की कन बनी और कन लगी आपसे, और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल पे, मैं आपको नई नई वीडियो दिखाऊंगी। कैमरा मैन खूब हंसने लगी हूँ जो मेरे भैजी का लड़का है, भैजी नहीं आया मेरे वो हंसने लगी हूँ, तो वो आ देखकर मम्मी आज लाइक कमेंट के लग रहा है ये भी जरूरी है ना, लाइक कमेंट भी बोलनी चाहिए दो, वो हंसने लगी हूँ। समझ तो जाते हैं घरवाली पर बोल नहीं पाते हैं।
थोड़ा बहुत बोलते हैं, मैं भी कोशिश कर लेती हूँ थोड़ी बहुत बोलने की, ज़्यादा नहीं पर इतना परफेक्ट भी नहीं बोलती हूँ, पर हाँ कोशिश कर लेती हूँ बोलने की। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं आता तो नहीं बोलती, बोल लेती हूँ जैसे ही बोलूँ, टूटी फूटी क्या है, बोलनी चाहिए बस, अपनी भाषा तो बोलनी ही चाहिए। जब हम पहाड़ी हैं तो उत्तराखंड के हैं वैसे भी, तो अपनी भाषा ना बोली तो फिर क्या बोला। इसलिए गढ़वाली जो भी हैं अपनी लैंग्वेज जरूर बोलनी चाहिए हमेशा ही। पता चलना चाहिए ना कि हम गढ़वाली है भाई, इस तरह ऐसे। पैसे पड़े आप एक चुप जाओ। ज्यादा पास में रखने कर ना, इसलिए कि वो बंद नहीं होते ना, फिर ज़्यादा नहीं, बड़ा तो दो तीन है ना, छोटा तो चार है, मैंने तीन रखे, एक छोटे एक थोड़े बड़े थे, एक छोटे थे, एक थोड़े बड़े थे, मिक्स किया गया है, एक एक जगह तो नहीं थे। बढ़िया करी लगाए ताकि खाने में खूब स्वाद आओ, खूब चचरो बरबुल लोगो। मेरे भतीजे देखने लगी और हंसने लगी, हाँ बुआ देख कन बोली, कन बोलने लगी पर बोलने लगी फिर एक कैमरा कैमरा मैन बने जरा आज वो हंसने भी लगी जाते तनु जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? मस्त मस्त। चल चल पर गुरू नी पता चल बेटा आज खान करो कन लगे नी, आप खाने के इच्छुक हो? हाँ। ओके ये चरब देसी बच्चा ना जरा मैं गढ़वाली कम होगी एन करी सो पाक बना गया, मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, पाक तो बचेगा पर मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, दो चार बनाऊंगी और थोड़ी काप भी बढ़ाऊंगी, बोल दिन अभी तक बढ़ूंगी, अब तो रात होगी, मैं रात से बढ़ाऊंगी, सर दिन में बढ़ाऊंगी, काफी भाता गिर खूब लग गई बजाय रोटी। हाँ जो जो भात में खाना रोटी खाना है तो खैर रोटी में तो खूब लग गई एन करी खूब करी एन करी, मैं तो अब पाक बढ़ाऊंगी एन खूब कहीं लगे गए ताकि जो चढ़ चढ़ बर बरू वो सब जगह रहूँ एन ना कि कभी लगी कभी नहीं लगी, खूब करी लगाया। ये देखो दगड़िया अब मैं बने ली तीन बड़ी माँ बेटी तीन बड़ी यानी और मैंने छन्नी पर रखी जब मैंने मोमो बनाए थे तनी, आपने पिछले वीडियो में देख लो पिछला वाला ब्लॉग में मोमो वाला यानी बनाए थे मैंने मोमो भी छन्नी पर, फिर एक एन एन रखी एन करी बनाऊंगी। ये दगड़ी हमारा चूल्हा देखो लकड़ी जल रही है कितनी सुंदर, ऐसे इसके ऊपर रखा है पतीला, इसमें है पानी और अब मैं रखूंगी छन्नी ये वाली ऐसी और इसको ढक्कन से ढक देंगे, ऐसे करके ढक देंगे टाइट करके और ये चूल्हे में अच्छे से पकता रहेगा ऐसे करके खूब तेज आंच में, और जल्दी भी बन जाता है लकड़ियों चूल्हे में अगर हम बनाए तो, गैस के अकॉर्डिंग चूल्हे में ज़्यादा बढ़िया बनता है और जल्दी भी बनता है। ससुराल में तो मेरी सुविधा नहीं है ये वाली चूल्हे वाली, पर मायके में है तो हम कभी कभी जला लेते हैं इस तरह चूल्हा, जैसे खाना तो गैस में ही बनाते हैं पर कभी कभी जला लेते हैं चूल्हा, पर आज मौसम सही था तो हमने सोचा आज चूल्हा ही जला लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया चूल्हा जल रहा है, थोड़ा थोड़ा धुआं भी आ रहा है क्योंकि हवा भी चल रही है इस तरह। ये देखा दगड़ियों ये बन गई
अब मैं यू तल दू, दिखा दो आप ते कन कन तल दा। ये मैंने काट दिया है देखो इस तरह छोटा छोटा पीस, ऐसे ऐसे ही सबको काटना है और तलना है। ये तेल हो गया है मेरा गरम, अब इसको डालेंगे ऐसे जैसे हम पकौड़े डालते हैं ना, सेम उसी तरह डालिएगा। इसको अच्छे से तलना है। कुछ लोग छौंकते भी हैं जैसे लहसुन अदरक का छौंका लगा के, वो भी बनाते हैं। वो आज अभी नहीं बना रही हूँ मैं, कुछ को मैं तलूँगी कुछ को वैसे बनाऊँगी, पर अभी तो मैं यही बना रही हूँ तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ऐसे इसको अच्छे से तल देना। अब करारे होने तक इसको अच्छे से तलिएगा ताकि खाने में ज़्यादा अच्छे लगे। जितने करारे होंगे बतौर उतने ही अच्छे लगते हैं खाने में। बहुत ठंडा करके ही झोंकेगा क्योंकि अगर गरम गरम करते हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं, करारे नहीं बन पाते हैं। देखिए मैंने सारे डाल दिए, थोड़े बचे हैं अगर कुछ तो ये तो मैं बचाऊंगी और थोड़े डालूंगी। इसमें से आधा काट के तब डालूंगी, बस बाकी डेढ़ बचा दूंगी। इसको मैं अलग बनाऊंगी, छौंक के बनाऊंगी, पर वो वाला नहीं दिखा पाऊंगी मैं आपको। आपको मैं यही दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, इसलिए आपको मैं यही दिखाती हूँ तलने वाला। छौंकने वाला भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी तरह कटिंग करना है उसको और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको छौंकना है। और आप जीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, जीरा भी डालते हैं कुछ लोग, उसमें ठीक लगता है वैसे खाने में अच्छा लगता है। कुछ लोग प्याज डाल के भी छौंकते हैं, तो आप देखिएगा अगर आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे बनाइएगा। वो भी मैंने बता दिया आपको कैसे होता है, पर मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं अभी वो बना नहीं रही हूँ, वो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी तो इस वक्त तो मैं यही बना रही हूँ। और जब तक पतीले बनते हैं तब तक हम खा रहे हैं मूंगरी जो हमने चूल्हे में भूनी है। तन्नू और मैं मूंगरी का मजा लेते हुए, जो हमारे खेत की है, तो आज मम्मी ने तोड़ी थी और हमने चूल्हे में भून के खा रहे हैं क्योंकि गैस में तो अच्छी नहीं होती भूनी हुई, चूल्हे में ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो तन्नू और मैं मूंगरी खा रहे हैं। आप भी बताइएगा फ्रेंड्स किसके साथ अच्छी लगती है आपको, गैस वाली या चूल्हे वाली। ये देखा था वीडियो, अब बन गई हूँ एंड बनी। मैंने इसको अच्छे से तल लिया है चारों तरफ से करारा करारा। और आप मुझे चाय के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, मुझे तो रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और चाय के साथ भी, तो आज तो मैं इसे रोटी के साथ खाऊंगी। और आपको जिसमें अच्छा लगता है आप उसके साथ खाइएगा। और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको और पतीलों कैसे लगे, अगर आप बनाओगे तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं और बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहिए। और जो बाहर भी निकलते हैं तो कोई वो नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मास्क जरूर पहनिएगा क्योंकि कोरोना अभी भी है, अभी गया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मास्क वास्क पहन के ही जाइएगा, बिना मास्क के ना जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।